ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों से नफरत का एक और बदतरीन वाकया पेश आया। नस्ल परस्त शख्स ने बाहिजाब हामला खातून को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। खातून को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुसलमानों से नफरत का बदतरीन वाकया पेश आया, जहां 31 साल बाहिजाब मुसलमान खातून दीगर दो खवातीन के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी कि इसी दौरान एक नस्ल परस्त शख्स कैफे में दाखिल हुआ और बाहिजाब खवातीन को देखकर आपे से बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलियाई शहरी ने खवातीन के टेबल के पास आकर पहले उन्हें गलीज गालियां दी और फिर हामिला खातून पर मुक्कों की बारिश कर दी। खातून कुर्सी से नीचे गिरी तो उसने लातें बरसाना शुरू कर दी। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से खातून की जान बचाई और मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उसकी हालत तश्वीशनाक है।